इंडिया पर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो हो रहा जमकर वायरल, जिसमें सीतापुर की सिधौली नगर पंचायत के भाजपा चेयरमैन गंगाराम राजपूत सिधौली के 33/11 विद्युत उपकेंद्र के बाहर खड़े होकर आत्मदाह की चेतावनी देने की बात कह रहे हैं। आखिरकार भाजपा के चेयरमैन गंगाराम राजपूत को आत्मदाह करने की बात क्यों कहनी पड़ रही है, इसके लिए इंडिया के सिधौली संवाददाता राजन भार्गव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो राजन जी बताएं, ये एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, क्या इस वीडियो की सच्चाई है? जी निशान जी, आपको बता दें, एक अभी लगभग एक घंटे पूर्व सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में जो वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, जो कि इस बार भाजपा के टिकट से चुनाव लड़े थे, अभी निर्वाचित हुए हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि जिसमें वो एसडीओ से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आप हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं, अगर जो आप नहीं आते हैं तो मैं यहीं पे पेट्रोल डालकर आत्मदाह कर लूंगा, खुद को आग लगा लूंगा, ऐसी बातें कहते नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें निशान जी, पिछले एक हफ्ते से लगभग सिधौली की विद्युत व्यवस्था चरमराई हुई है। इसको लेकर अभी कुछ दिन पूर्व हाईवे को गुस्साए लोगों ने जाम कर दिया था, और उसके बाद फिर जनप्रतिनिधियों ने अभी सीतापुर में दो दिन पूर्व ही जो अवर अभियंता लखनऊ, उनको उनके साथ बैठक की थी। मुख्य अभियंता लखनऊ मंडल के जो से राजीव कुमार सिंह, मुख्य अभियंता लखनऊ राजीव कुमार सिंह से उनकी बैठक भी हुई थी, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने शिकायत भी की थी कि विद्युत की समस्याओं को दूर किया जाए। उन्होंने अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लिखकर भी दिया था, लेकिन गंगाराम राजपूत का जो आज वीडियो वायरल हो रहा है, बता रहे हैं आज शाम का बताया जा रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन ये वीडियो जो वायरल हुआ है फेसबुक पर बहुत तेजी से फैल रहा है। तो बिल्कुल, जो सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है, भाजपा के जो सिधौली चेयरमैन गंगाराम राजपूत है, पहले आइए आपको पहले आई इंडिया वो वीडियो दिखा रहा है जो वायरल हुआ है, जिसमें खुद चेयरमैन अपने आप को जो है आत्मदाह करने की चेतावनी दे रहे हैं, और फोन पर जैसा कि बताते हैं कि एसडीओ सिधौली अंकुर वर्मा से ये बात कर रहे हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं वायरल हो रहे इस वीडियो को। तो बत्ती पानी ना जा रहा, पूरा नगर डूबा पड़ा हुआ है पानी में, यहाँ तरह तरह मची है। मैंने वार्ता किया, आपने अपने एक भी जवाब नहीं दिया, ना बोले मोबाइल पर। आज मैं यहीं पे बैठा हूँ, अभी हम डीएम साहब बात कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, काटो बत्ती ना जाए, अच्छी बात है। मैं आपके गेट पे खड़ा हूँ, केवल आप कतई ना चालू करो, कोई मतलब ना है, हम आपके गेट बैठे ना, और यहाँ पे लाइक मट्टी तेल फूकने खुदे अपने के, यहाँ हम लड़े ना कर भाई। मैंने एक साल से चार बार वार्ता मैंने किया कि हमारी पानी टंकी बंद पड़ी है, पानी ना जा रहा, आप उल्टा बोल रहे हो, जो साहब अलग बोल रहे हैं, चिट्ठी में पत्ता चार भी कर चुका हूँ दो बार, और एक कनेक्शन लिए सुबह टेलीफोन करें तो चार किलो वाट दिया जाए, हर जगह तो बेईमानी हो रही। अब कनेक्शन बातें खत्म करो, हम एक बार मिले आ रहा ना, नहीं आज तो हम कहते ही नहीं माना। अभी डीएम साहब फोन लगाओ, डीएम साहब फोन लगाओ, ड्यूटी आपकी है ना, तरह तरह यहाँ मची है, परसों भवा कल्ली भवा नसवा, पब्लिक हमका गरी आ रही, पानी हमारा बंद पड़ा है, ठीक है यार नहीं, और आपके कर्मचारी उल्टा बोलते हैं, बदतमीजी बात करते हैं, फोन करा कर्मचारी, ताला भी नहीं खोले नहीं पावर हाउस का, और पावर हम ताला पड़ा हुआ, इस समय कर रहे हैं, हमें वीडियो बनवा रहे हैं, हमारे गेट मान तो गेट नहीं खोल रहा, या चेक कर लो सारे कर्मचारी, वीडियो दारू पिए ना मिले तो बताओ, आपका जूता हमारा सर, सारे कर्मचारी आपके, नहीं आपके सारे कर्मचारी दारू पिए मस्त डिस्को कर रहे हैं, और तुम गाड़ी सब चालू करा रहे हैं, चालू करा रहे हैं, कहाँ है भैया, नहीं चालू मतलब आपो मतलब हम ना पहले तो सुधार आवा दो चार महीना में, मतलब नहीं पहले पर नियम कानून सब नियम कानून सारा करो, तो हमारे नियम कानून करो भैया, हमेशा करो, मगर पब्लिक तो ध्यान रखो, या गर्मी मौसम है तुम तो ऐसे मजा ले रहे हो। दिक्कत है, अरे भाई साहब एक साल पहले चिट्ठी में रिसीविंग है, आप पास रिसीव आप ही रिसीव करे हो, वह चिट्ठी हमने कराना, कल मैंने फिर भेजा मगर ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, 50,000 जनता पानी पीती है मगर कोई ध्यान नहीं है, एक साल हो गए हैं, मतलब हमारा जो सीधा है वो फायदा उठा रहे हो आप,
नहीं कोई कार्रवाई करे हो, कई बार वार्ता भाई कोई कार्रवाई करे हो ये बताओ। चलो फोन किया जाता तो फोन रिसीव नहीं करते, तो फोन कराओ तो डीएम हो क्या बताइए। जय साहब, अगर यह समस्या आज उस लेके कल तक समस्या ना भय तो आत्मदाम स्वयं करवाइयो, बता दे रहे एक जिम्मेदार स्वयं हुई। और यहाँ नहीं है, हम लाइव चला रहे हैं, लाइव चला रहे हैं। हम मुलाकात करना चाह रहे हैं, आप कहाँ हो? नहीं आज चुनाव जीते 3 महीना हो गए, मैंने कई बार बुलाया, मैंने आपको मिल लो अगर, या हम आ जाएं। समस्याएं नहीं नहीं, मैं ही आपकी समस्या लिए अनुदान करना चाहता हूँ, मगर एक भी ध्यान नहीं दिया रे। मैंने कहा मैंने यही निवेदन किया था आपसे कि चिट्ठी बनाओ, हम जहाँ बताओ कि शर्मा मंत्री से हम मिली सलाह, हम चेयरमैन हो का फायदा, हम जमादारी से बढ़िया बन जाए हम, और तुम्हारा कर्मचारी डीएम है, गेट तक बंद है, हम तो वीडियो बनवाए हैं ना, बन रहा तारा खबराओ खोल दो। ना 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 ना, ये ना खुले, खड़ाओ वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, बनाओ 20 मिनट हो रहा है खड़े हुए चेयरमैन साहब को, अभी तक गेट नहीं खुला है। ठीक है बंद रहा ना, ठीक बंद रखो। बिल्कुल आपने देखा भाजपा के चेयरमैन गंगाराम राजपूत का ये वो सोशल मीडिया पर हो रहा जो वीडियो वायरल है उसको आप सभी ने देखा। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस वीडियो में जो है चेयरमैन अपने आप को कह रहे हैं कि अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो वो जो है आत्मदाह कर लेंगे मिट्टी का तेल डाल करके, और जो है इसमें ये बताया है कि विद्युत कर्मचारियों पर पूरा जो है आरोप लगाया कि शराब पीने का आरोप बिजली विभाग के कर्मचारियों पर लगाया है, किसी भी तरह की जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी जनता जो है वो परेशान है क्योंकि सिधौली की जो जनता करीब 50,000 जैसा कि बता रहे हैं चेयरमैन खुद कि उनको पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, बिजली के लिए तरसना पड़ रहा है। साफ तौर पे इस वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि जो चेयरमैन है इन्होंने साफ कहा है कि आखिरकार चेयरमैन से अच्छा तो वो जमादार बन जाते। ये क्यों कहने का पड़ रहा है तो लाइट की जो सबसे बड़ी समस्या है, एक हफ्ते से अधिक समस्या बनी हुई है, आपको बता दें कि अभी हफ्ता भर भी नहीं गुजरा है, लोगों का जो वहां गुस्सा था सिधौली वासियों का, इन्होंने जो है बिजली का गुस्सा जो था उसके प्रति नेशनल हाईवे को जाम किया था, काफी देर तक जाम रखा था, लेकिन लाइट की जो समस्या है वो अभी तक नहीं सुधरी। 2 दिन पहले ही जनप्रतिनिधियों ने जो है मुख्य अभियंता लखनऊ मंडल राजीव कुमार सिंह के साथ सीतापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक भी की रही थी, लेकिन फिर भी इन बैठकों का जो है कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन चेयरमैन आज जो है खुद जनप्रतिनिधि जो है मौके पर जो है सिधौली के 33/11 विद्युत उपकेंद्र पहुंचे और वहां पर जो है अंदर ताला जड़ा हुआ था, वो गेट के बाहर ही खड़े हैं, इस वीडियो में देखा जा सकता है, और फोन पर जो है एसडीओ सिधौली अंकुर वर्मा से पूरी बात कर रहे हैं, बात के दौरान नाराजगी भी जता रहे हैं, लेकिन बार बार ये वीडियो में देखा जा सकता है कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब तो सिर्फ और सिर्फ बेईमानी हो रही है, यानी हर जगह हो रही है बेईमानी और उनकी कोई भी समस्या का जो है निदान नहीं निकाला जा रहा। कई बार जैसा कि बताया गंगाराम राजपूत ने कि कई बार जो है वो वार्ता भी करने की बात कह रहे हैं और पत्राचार के द्वारा भी शिकायत दर्ज की है, लेकिन बिजली की समस्या जो है जस की तस बनी हुई है, अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तो आखिरकार जनता में तो आक्रोश था और अब जनप्रतिनिधि जो है खुद इस उनके में आक्रोश है और सड़क पर उतर आए हैं, यानी कि जो है बिजली विभाग कार्यालय पर पहुंचे हैं, वहां पे जो है आत्मदाह की चेतावनी देने को वो मजबूर हो रहे हैं। तो ये पूरा वीडियो आपने देखा और इस वीडियो की क्या थी सच्चाई, जैसा कि इंडिया के सहयोगी राजन भार्गव ने बताया, तो बहुत धन्यवाद आपका राजन जी। जी धन्यवाद निशान जी। BS एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान, BA, MA, BCom, MBA व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।